वेल जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कुछ हस्बैंड के बारे में, ठीक है, यानी कि हस्बैंड की पीड़ा के बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर ना तो वाइफ जो है वो आने के लिए तैयार है और ना ही वो डाइवोर्स देती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, यानी कि जो वाइफ है वो आपको लटका के रखना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास क्या ऑप्शन है। तो देखो, आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप सेक्शन 9 करो, ठीक है, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, आप करो। और उसके बाद भी वाइफ अगर नहीं आती है, ठीक है, सेक्शन 9 किया वाइफ नहीं आई, तो आप उस चीज़ को ग्राउंड बना सकते हो डाइवोर्स का, कि भाई सेक्शन 9 की डिक्री है हमारे पास और वाइफ फिर भी नहीं आ रही है, यानी कि फिर भी रहने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि हस्बैंड ने पूरी कोशिश की है कि उसको रखने के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ग्राउंड बनाओ कि भाई इस बेस पे हमें डाइवोर्स दिया जाए। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 साल, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए सेक्शन 9 की, तो उसके 1 साल बाद तक, यानी कि 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तो फिर आप इसको ग्राउंड बनाओगे कि देखो डिग्री भी हो गई, उसके 1 साल बाद भी वाइफ नहीं आई है, तो अब हमें डाइवोर्स दिया जाए, ठीक है, फिर वाइफ कुछ नहीं करेगी, ठीक है, फिर आपको डाइवोर्स, चांस है कि आपको डाइवोर्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सेक्शन 9 को ग्राउंड बनाया है, ठीक है, आपने रखने की कोशिश की थी लेकिन अब वो मान ही नहीं रही है, तो आपके पास ऑप्शन है वो डाइवोर्स ही है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने पहले भी वीडियो बनाया था कि सबसे बेस्ट ग्राउंड डाइवोर्स का क्या है, वो यही है। क्योंकि पहले क्या होता था 1955 में, आप क्या करते थे, यानी कि लोग क्या करते थे, क्वेरिटी का बहाना लगाते थे। देखो उस टाइम चलती थी, ठीक है, रियलिटी में चलती थी, अब जज बिलीव नहीं करते कि यार क्वेरिटी हुई होगी, क्योंकि सबको पता है हर घर में हर फैमिली में थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता ही है, ठीक है, तो उस बेस पे मतलब चांस कम हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मिलता नहीं है, मतलब बहुत कम चांस हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है सेक्शन 9 डालो, अगर फिर भी नहीं आती है तो उसको ही ग्राउंड बना दो कि भाई सेक्शन 9 करने के बाद भी नहीं आ रही तो मैं अब इससे डाइवोर्स चाहता हूँ, ठीक है, मैंने अब सारे प्रयास कर लिए, सेक्शन 9 भी कर लिया, 1 साल वेट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब मुझे डाइवोर्स दे दो, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ग्राउंड बनाओ, सबसे बेस्ट ग्राउंड है डाइवोर्स का। अगर आप वैसे जाओगे डाइवोर्स लेने, देखो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, पहली बात तो कोर्ट ही खुद सोचेगा यार इनका क्यों डाइवोर्स हो वगैरह वगैरह, ठीक है, फिर आपको ग्राउंड्स प्रूव करने पड़ते हैं, इम्पोर्टेंसी है तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्रुएलिटी है, मेंटली है, फिजिकली है, सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट भी चाहता है कि यार किसी की फैमिली ना तबाह हो, ठीक है, तभी आप ना देखना कभी सेक्शन 9 और डाइवोर्स को आप देखोगे तो सेक्शन 9 ही जीतता है, ठीक है, मोस्टली केसेस में। अब मैं नहीं कह रहा हमेशा जीतता है, मतलब ठीक है, अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो आप म्यूचुअल कंसेंट बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।